मैं हूं निकिता सरपुरिया चंदन डे के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीम उनके इंडिया में युवाओं और अनुभवियों का एक ऐसा संगम है, हम लोग एक एक मेंबर तक वन टू वन पहुंचने का काम किए हैं, वन टू वन उनको टच किए हैं, मेंबर्स का इतना सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, दो साल के काम को इतना सराहा जा रहा है जिससे सामने का जो टीम है वो हताशा में हताशा, जब कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, मैं ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं, सीडीएसएल इज नॉट गिविंग एनी नंबर, ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं, हताशा के नंबर, ये लोगों जो लोग लोकप्रियता दिखा रहे हैं टीम उनका मीडिया के के पास जो पहले रिपोर्ट गया था 1947 का गया था, उसके बाद हम लोग ने 87 हम लोग ने फिर 1987 गया था, उसके बाद हम लोग ने एक ड्यूज लिस्ट उनको दिया कि इतने मेंबर्स का ड्यूज है, वो ड्यूज लिस्ट आर नॉट अलाउड टू कास्ट द वोट, जिनका भी ड्यूज है टिल 22-23। अब वो तो वोटिंग कितना होगा उस पर डिपेंड करता है, 17 के आसपास पोलिंग होना चाहिए, मिलेगा जब हम जीतेंगे तो हमको 900 मिलेगा, बताइए 850 से 900 के बीच में। चुप रहिएगा आप लोग, कल मोलान के सबसे बड़े और एकमात्र पंजीकृत उद्यमी व्यापारी की सबसे बड़ी संस्था, सबसे पुरानी सिंघूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव होने जा रहा है। हम लोगों ने जीत का खाता पहले ही खोल चुके हैं, श्री भरत मकानी सचिव ट्रेड एंड कॉमर्स के निर्विरोध निर्वाचन के माध्यम से, और हमारी पूरी टीम अनुभव ऊर्जा कर्मयोगिता के साथ चुनावी मैदान में है, और जिस तरह से मतदाताओं का भरोसा हम लोगों के ऊपर है, जिस तरह से मतदाताओं ने हम लोगों को 2 वर्ष में परखा है, जिस तरह से पूरे व्यापारी समाज के उद्यमी समाज की हर काम को हम लोगों ने आगे बढ़कर किया है, पूरे चैम्बर भवन के एक एक कोने का हॉल का रिनोवेशन किया है, जिस तरह से समस्याओं का निराकरण किया है, जिस तरह से कृषि बाजार समिति शुल्क पर पूरे झारखंड में लीड लेकर के आंदोलन किया है, जिस तरह से पासपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने में काम किया है, जिस तरह से चैम्बर को प्रथम बार जियाडा के प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी और LAC लैंड अलॉटमेंट कमेटी में स्थान मिला है पहली बार, जिस तरह से पहली बार टाटा स्टील के वेंडर प्रोक्योरमेंट की मीटिंग चैम्बर में हुई है, जिस तरह से पहले बार टाटा स्टील में वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है राष्ट्रपति महोदया से, जिस तरह से अनेकानेक विशिष्ट अतिथियों का चैम्बर भवन में आगमन हुआ है, पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल अद्वितीय है, अतुलनीय है, उसके मद्देनजर लोग काफ़ी हर्षोत्साहित हैं, हम लोगों को टेस्टेड एंड ट्रस्टेड समझ रहे हैं, और इसी के आधार पर पूरी टीम को हम लोगों को वोट देंगे। इस बार जीत रही है, इस पर आपका क्या राय है और कैसा होना चाहिए ये इलेक्शन? मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भारी मतों से बहुमत से जीत रहे हैं, ऐसा मुझे पूरी आशा है, क्योंकि देखिए व्यापारी वर्ग जो है दो चीज़ के भी हम जीत रहे हैं, माने कौन जीत रहा है, हम जीत रहे हैं यानी कि कौन जीत रहा है? टीम उनका भारी बहुमत से जीत रही है जी। ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।